नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सनी प्रताप सिंह में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीजी व्यापम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम सीरीज चला रहे थे, जिसमें कि अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम किया था बच्चे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमने कंप्लीट किया है और ऐसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हमने करा दिए हैं। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस नए चैप्टर का नाम बच्चे क्या है, एवरेज। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम आपको क्या कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एवरेज, जो भी सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर में आए हैं 2017 से लेकर 2024 तक। इनका पूरा पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल पाता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं बच्चे, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, पहला 8827 करके नंबर जो दिया है, उसमें आप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि यूट्यूब से आप आए हैं और आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड वहीं पे करा देंगे। तो चलिए बच्चे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ये पहला सवाल ये आया था बच्चे संयुक्त परीक्षा 2017 में। और एक खास बात बताऊं इस क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका क्या हो गया था, ये विलोपित हो गया था। ठीक है, विलोपित इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं सारे के सारे ऑप्शन क्या है बच्चे, रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे बता दे रहा हूँ। ऑप्शन सारे रॉन्ग है। क्या है क्वेश्चन, एक बार हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला है 210 और 220 का औसत क्या है, क्या निकालना है बच्चे, एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है 210 का और 220 का। तो 210 और 220 का एवरेज आपको निकालना है इन दोनों का। एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत का जो बेसिक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा है ना, 2 की पावर 10 होना था, 2 की पावर 10 है और ये 2 की पावर क्या है, 20 है, थोड़ा गड़बड़ लिखा है देख लो। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, लेकिन इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा ना वो आएगा तो ठीक, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बोला है बच्चे 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20, इनका एवरेज फाइंड करना, औसत निकालना है। तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला ये होता है बच्चे, एवरेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो सभी राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं। तो एवरेज का मतलब होता है जितनी भी राशियां उन सबका सम कर दीजिए और जितनी भी राशियां आपने उठाए उनसे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज सभी राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं। तो बस आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20, और कितनी संख्याएं आपने उठाया है 2, तो डिवाइड भी किसे कर देंगे, 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20 है, तो 2 की पावर 10 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 2 की पावर क्या बचेगा, 10, क्योंकि 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 20। तो बस बच्चे यहाँ पे नीचे 2 आ गया। अब 2, 1 2 है, यहाँ पे 10 बार 2 है, तो 1 2 से 2 कैंसिल होगा और कितने 2 बचेंगे, 9। तो 2 की पावर 9 ऊपर में है और ये 1 प्लस क्या है, 2 की पावर 10 है। मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 की पावर 9 रहेगा, फिर बीच में साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 19। ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब, लेकिन एक भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा है, इस कारण से बच्चे यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन क्या थे, गलत थे। तो ये था बच्चे पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए होगा तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, संकल्प स्टडी सर्कल के नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको SSC, CG व्यापम और रेलवे NTPC इन सभी के कोर्सेज वहाँ पे प्रॉपर आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिल रहे हैं और वो भी मिनिमम चार्ज। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, और एक और खुशखबरी मैं आपको दूं कि अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपसे नहीं बनता, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो चैप्टर हम ओपन कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, उसको देख लीजिएगा और पेपर जरूर देके आइएगा बेहतर तरीके से, जो 15 तारीख को पेपर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, खादी सेकंड 2019 में आया था ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है यदि 16A प्लस 16B प्लस 16C बराबर 144 दिया है, तो ए बी सी का क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो आपको ए का, बी का और सी का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं। तो ए बी सी का अगर एवरेज निकालोगे तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए आप तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे, टोटल राशियां कितनी हैं, 3 है, तो डिवाइड भी किससे कर देंगे, 3 से। तो एवरेज डायरेक्ट निकल जाएगा राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, 3। बस बच्चे अब आप इनको एवरेज निकालने के लिए करेंगे क्या, इन तीनों का सम कितने के बराबर, 144 के बराबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ये बताइए, यहाँ से आप 16 को कॉमन ले लीजिए, तीनों में है, तो ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितने के बराबर है, 144 के बराबर। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो होगी वो 144 और बटे में क्या आ जाएगा, 16। तो हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 144 और बटे में क्या आ जाएगा, 16, और 3 जो था बच्चे ये भी डिवाइड में था, तो 1/3 रहेगा। क्लियर है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, तो आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो देखिए जो कटे उसे काट दो, किससे कट रहा है बच्चे, 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और 8 ही का 8 हो गया, और 8 8 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है,
अब ये देखिए, दो से कट जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा, 9, और कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 3। यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड। बड़ा ईजी क्वेश्चन था, एवरेज निकालने वाले क्वेश्चन का ये शुरुआत के क्वेश्चन है, लेकिन इस सब एग्जाम में आए हैं बच्चे। तो मैं आपको जो करा रहा हूँ यहाँ पे, प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। अगर आपको व्यवस्थित तरीके से कोर्स पढ़ना होगा पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में, तो वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहें तो बिलासपुर में भी हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है। एड्रेस के लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एड्रेस जो है वो गांधी चौक में ही है आपकी अकेडमी संकल्प स्टडी सर्कल के नाम से। तो चलिए बच्चे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके सामने, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आया था सीजीपीएससी 2021 में आया था ये क्वेश्चन। क्या बोला है, दिए गए आंकड़ों के माध्य तथा एवं माध्यिका के बीच का अंतर होगा। तो आपको पहले माध्य निकालना होगा। माध्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे मीन, और मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज, और माध्यिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो आपको पहले यहाँ पे एवरेज या फिर मीन भी बोलते हैं, मीन या एवरेज एक ही मतलब होता है, माध्य या औसत बात एक है। ठीक है, तो आपको पहले माध्य निकालना है और साथ में माध्यिका निकालना, और दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस। ये क्वेश्चन है आपके सामने, और यहाँ पे ये आंकड़े दिया है, डेटा दिया है। ठीक है, तो एक तरह से स्टैटिस्टिक्स भी बीच में डाल दिया है एवरेज में, एवरेज में आपको स्टैटिस्टिक्स की बात आ गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले औसत निकाल लेते हैं। तो औसत निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे जितने भी आंकड़े यूज किए गए हैं नंबर, तो 21 है, 11 है, कितने नंबर है पहले ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर कितने हैं 12। अब इन सब का क्या निकालना है मेरे भाई, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़कर, और टोटल संख्याएं कितनी है 12, तो डिवाइड भी किससे करेंगे 12 से। तो सबको पहले ऐड कर लो। तो ऐड करने का तरीका, अब आपका ना इसमें कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे जोड़ना आपको फास्ट आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 और 1 क्या हो गया, 3, ढाई को जोड़ रहे हैं पहले, 3 3 और 2 5, और 5 के बाद 1 हो गया 6, और 6 और 2 क्या हो गया बच्चे 8, 8 और 1 क्या हो गया 9, और 9 और 1 क्या हो गया 10, 10 का मतलब क्या होता है बच्चे 100, तो यहाँ पे तो 100 आ गया। अब इकाई वाले को जोड़ लेते हैं, इकाई में जो जो है, तो 9 और 9 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 और 7 को जोड़ेंगे बच्चे, तो 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, और 2 हो जाएगा 37, और 37 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 37 और 5 42 हो जाएगा, 42 और 8 50 हो जाएगा, 50 और 7 57, और 1 58 और 1 59, तो ये कितना आ गया बच्चे 59। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 159 कुछ गड़बड़ है बच्चे, हमने थोड़ा गड़बड़ जोड़ दिया है आई थिंक, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, 159 ही आया है, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन हम कोई गड़बड़ नहीं किए हैं, मतलब ठीक है। तो 159/12 हो गया बच्चे, ये एवरेज हो गया। ठीक है, तो 159/ कितना है 12, आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, आइए डिवाइड कर देते हैं, 12 एकम क्या हो जाएगा 12, कितना सेसल बचा बच्चे 3, और 3 और 9 39 होता है, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, 3 और 0 है तो 12 2 कितना हो जाएगा 24, 6 और 0 12 5 कितना हो जाएगा 60, तो 13.25 बच्चे इसका औसत आएगा। अब आपको क्या निकालना है, माध्यिका। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं ये सीख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों स्टैटिस्टिक्स वगैरह नहीं पढ़े रहते, तो उनको मीडियन थोड़ा सा टफ लगता है। तो मीडियन निकालते कैसे हैं, टफ इसलिए लगता है क्योंकि पढ़े नहीं रहते, जबकि सबसे ईजी है ये। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो भी संख्याएं लिखी हैं इनको एक बढ़ते क्रम में लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटे नंबर को लिखो, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है बच्चे 3, तो हमने 3 को लिख लिया। फिर उसके बाद कौन सा है बच्चे उससे छोटा, फिर उससे बड़ा थोड़ा देखेंगे तो कौन सा है 7, और 7 के बाद सॉरी 7 नहीं, कौन सा है बच्चे 5 है, सॉरी कौन सा है बच्चे 3 के बाद क्या है 5 है, और 5 के बाद क्या है 7 है, और 7 के बाद क्या है बच्चे 8 है। ठीक है, और 8 के बाद फिर कौन सा दिख रहा है बच्चे 9 है, तो 9 भी लिख लिया हमने। 9 के बाद कौन है बच्चे ये बताइएगा, तो 9 के बाद कौन सा दिख रहा है बच्चे 11 दिख रहा है, 11 भी लिख लिया। 11 के बाद कौन सा है बच्चे 11 के बाद अगर आप जाएंगे तो कौन सा है बच्चे 12। ठीक है, और 12 के बाद कौन सा है बच्चे, यहाँ पे 13 कहीं नहीं दिख रहा है, तो कौन सा होगा 14, और 14 भी के बाद कौन सा देखेंगे बच्चे 15, 16, 16 भी नहीं दिख रहा है, 17 भी नहीं दिख रहा है, 18 भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, 19 बिल्कुल दिख रहा है, तो 19 लिख लीजिए, 19 के बाद 20 नहीं है तो 21 लिख लीजिए, 21 आपने लिख लिया, 21 के बाद कौन सा है बच्चे 22 नहीं है, 23 है, बिल्कुल 23 लिख लीजिए, कि हमने 23 भी लिखा, क्लियर है कि नहीं, 23 तक लिख लिया। 23 के बाद कौन सा है बच्चे 24 कहीं नहीं दिख रहा है, 25 नहीं दिख रहा है, 26 नहीं दिख रहा है, सीधा कौन सा दिख रहा है 27, तो हमने यहाँ पे 27 लिखा, क्लियर है कि नहीं। तो इतना हमने लिख लिया, इसमें सारे नंबर हमने ले लिए, टोटल देखिए 12 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम बढ़ते क्रम में जमा दिए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने जमा दिया। अब उसके बाद करना क्या है बच्चे, इनमें सबसे पहले इनका जो मध्य माध्य होगा, इनके जो बीच की वैल्यू होगी, उनका एवरेज निकाल लो। तो बीच की वैल्यू कौन कौन सी है ध्यान से देखते हैं, ठीक है, उनका क्या निकाल लेना है बच्चे एवरेज, तो आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक है, बीच की वैल्यू मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पे 3 पहला है और ये आखिरी, इनको छोड़ दो, ये दूसरा और सेकेंड लास्ट छोड़ दो, तीसरा और थर्ड लास्ट छोड़ दो, चौथा और फोर्थ लास्ट छोड़ दो, पांचवा और फिफ्थ लास्ट छोड़ दो,
तो इन दोनों का दिख रहा है, इन दोनों का एवरेज ले लो, 11 और 12 का औसत निकालोगे तो दोनों को जोड़कर बटा दो करोगे तो ये आ जाएगा 11.5। कितना आ जाएगा 11.5। तो इसका एवरेज कितना आया था 13.25 और इसका एवरेज कितना आया था 11.5। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 13.25 में से आप कितना माइनस कर दोगे बच्चे 11.5, और ये बच्चे यहाँ पे माइनस करोगे तो 5 हो गया, और 7 5 कितना हो जाएगा बच्चे 12, यहाँ पे 2 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1.75। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब, और ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे 3। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, माध्य और माध्यिका। तो ये चीज़ आप सीखिए कि माध्यिका कैसे निकालते हैं और माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, ये वैसे माध्यिका वाला जो कंसेप्ट है ना, ये स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी में हम पढ़ाते हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से, अभी रेलवे वाले बैच में हम बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, तो आप लोग उसको जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे 4 नंबर, ये आया था CSPSCL 2022 में। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 33P प्लस 33Q इज इक्वल टू 264 है, तो P और Q का औसत निकालना है। तो P और Q का एवरेज निकालने का मतलब इन दोनों को जोड़कर बटा क्या करना है, दो। एवरेज का मतलब राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं। तो P और Q का योग अगर हम देखेंगे तो यहां से अगर देखते हैं दोनों जगह 33 है, तो 33 को कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट के अंदर बचेगा P प्लस Q, और ये कितने के बराबर है बच्चे 264 के बराबर। तो यहां से हम P प्लस Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 264 हो गया, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चे 33, और डिवाइड किससे करना है 2 से, तो ये 1/2 रहेगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, काट दो तो आंसर आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 2 4। अब 11 से कर दो, 11 3 33 हो गया, 11 एकम 11, 11 2 22, और 3 4 कितना हो जाएगा 12। तो बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ गया बच्चे कितना 4, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे 4th, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने चौथा क्वेश्चन भी करा दिया। अब हम चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5th में, 5वें नंबर पे, और उसको भी हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th बोला है बच्चे CGPSC SES 2022 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रथम 11 अभिभाजक, अभिभाजक मतलब होता है बच्चे प्राइम नंबर जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, प्रथम 11 मतलब पहले 11 प्राइम नंबर संख्याओं का एवरेज, औसत मतलब एवरेज निकालना है, ठीक है। और फिर पहले 15 सम प्राकृतिक संख्याओं का मतलब इवन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, ठीक है, और दोनों का अनुपात फाइंड, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि पहले 11 प्राइम नंबर का एवरेज निकाल, पहले 11 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ थोड़ा सा प्राइम नंबर की लिस्ट लिखते हैं, तो सबसे पहला अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं कौन सा होता है बच्चे, सबसे पहला कौन है बच्चे 2, 2 के बाद कौन होता है बच्चे 3, 3 के बाद कौन है बच्चे 5, 5 के बाद कौन है बच्चे 7, 7 के बाद कौन है बच्चे 11, 11 के बाद कौन है बच्चे 13, 13 के बाद कौन है बच्चे 15, 16, 17 है, 17 के बाद कौन है 19, 19 के बाद कौन है बच्चे 23। कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। 23 के बाद कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 29, और 29 के बाद कौन हो जाएगा बच्चे 31। तो ये पहले 11 प्राइम नंबर हमने लिख लिया। अब इनका एवरेज निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, एवरेज निकालने के लिए इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे बराबर नहीं है, तो आपको एवरेज निकालना ही पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए आप सबको जोड़ेंगे और जितनी भी संख्या उनसे डिवाइड कर देंगे, तो कितनी संख्याएं थी 11 थी, तो यहाँ पे आपने 11 से डिवाइड कर देना है और इन सबको ऐड कर लीजिए। और ऐड करने का तरीका, दहाई को जोड़िए, 3 और 2 क्या होता है 5, 5 और 2 क्या होता है 7, 7 और 1 क्या होता है 8, 8 और 1 क्या होता है 9, 9 और 1 क्या होता है 10, 10 और 1 क्या होता है 11, 11 मतलब होता है बच्चे 110, तो ये हमने 110 कर लिया। अब इकाई को जोड़ लो, 9 और 1 10 3 13, 13 और 9 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 और 7 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33, 33 और 7 को जोड़ेंगे तो 40 और 5 45, 45 3 48 और 2 50, ठीक है, ये 50 हो गया। तो ये 160 हो गया, कितना हो गया बच्चे 160। अब ये बटे में कितना है बच्चे 11, तो ये आ गया प्राइम नंबर का एवरेज, आ गया 160 बटे 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका एवरेज निकाल लिया 160 बटा 11। अभी इसको डिवाइड वाइड मत करिएगा क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो, और रेशियो जब निकालेंगे तो अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा जो होना होगा, ठीक है। अब बच्चे आपको करना क्या है कि आगे क्या बोला था, प्रथम कितने बच्चे 15, प्रथम 15 मतलब फर्स्ट 15 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट 15 प्रथम 15 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इनका एवरेज हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं प्रथम 15 की बात करूँ तो सबसे पहला इवन नंबर कौन सा होता है, सम संख्या कौन होता है 2, फिर कौन होता है 4, फिर कौन होता है 6, इस तरीके से, ये पहला दूसरा तीसरा, ऐसे में कितने बोला हूँ बच्चे 15, तो 15 दूनी कितना होता है बच्चे 30, तो आखिरी 15वां जो इवन नंबर होगा कौन सा होगा, 30 होगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा और ये है बच्चे 15वां हो गया, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 15वां, क्यों 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2 × 15 मतलब 15वां संख्या कौन होगा। अब इनका एवरेज निकालना है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम होता है और एवरेज निकालना हो
तो अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें एक मेथड ये होता है कि जब नंबर्स का डिफरेंस सेम हो और आपको एवरेज निकालना हो, तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो कर दीजिए, तो भी बच्चे एवरेज आ जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़िए और जितनी भी संख्या उनसे डिवाइड करिए, तो भी एवरेज आएगा। लेकिन इसमें क्या लग जाता है मेरे भाई, टाइम। इसलिए आप क्या करिएगा, जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम होता है, जैसे यहाँ पे देखें, दो के बाद चार है, चार के बाद छः, छः के बाद आठ, आठ के बाद दस, दस के बाद बारह, दो दो का डिफरेंस है और इनका एवरेज निकालना हो, तो क्या करेंगे आपको कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो कर, तो एवरेज निकल जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो कर दीजिए, तो भी एवरेज निकल जाएगा। पूरा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसका एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या क्या दो है और आखिरी संख्या क्या तीस है, और बटा दो कर, तो ये बत्तीस बटा दो कितना हो जाएगा, सोलह, और ये एवरेज आ जाएगा बच्चे कितना, सोलह। यहाँ तक क्लियर है? तो एवरेज आ गया सोलह। तो यहाँ पे पंद्रह इवन नंबर, पहले पंद्रह इवन नंबर का एवरेज हमने सोलह निकाल लिया, और इनका एवरेज कितना, 160 बटा 11। तो अब दोनों का रेशियो निकालना है बच्चे। रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे 160 बटा 11 लिखेंगे और यहाँ पे रेशियो लिखेंगे बच्चे कितना, 16। तो यहाँ पे 16 से काट देते हैं, 16 एकम 16, 16 10 जा, तो यहाँ पे 10 है और ये जो 11 हुआ तिरियक चला जाएगा, 11 का या फिर गुणा कर दीजिए, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, बटे में नहीं लिखते। तो 11 का इधर भी गुणा कर दीजिए, इधर भी, तो 11 11 कट जाएगा और यहाँ 11 आ जाएगा, तो 10 अनुपात 11 बच्चे, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये CGPSC SES 2022 में आया था। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। CG व्यापम टेट 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर छठवां होगा आज की क्लास का, ठीक है। 15 क्वेश्चन लगभग हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा एक बात और बता दूँ, 16 तारीख से मैं देखो, जैसे हॉस्टल वार्डन का पेपर हो जाए ना, तो बिजी हो जाना पूरा एकदम, किसमें, सीधा से रेलवे में, और GD के लिए अगर एलिजिबल होगी तो GD में, ठीक है। तो GD का फॉर्म भी आ गया है, ठीक है, और NTPC का वही आपका 14 तारीख के बाद से फिलअप शुरू हो जाएगा। तो NTPC 12वीं के बाद वाले भी दे सकते हैं, उनके लिए 21 तारीख से फॉर्म आएगा, और 14 तारीख से बाद वाला कौन सा आएगा, ग्रेजुएशन। तो पूरी शिद्दत, देखो तैयारी अभी बहुत अच्छी है तुम्हारी हॉस्टल वार्डन की, जैसे एग्जाम दोगे अब तुम पूरा फोकस उसमें कर देना, तो उसके लिए एकदम तैयार भिड़ जाना। तो उसमें भी अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और तैयारी अभी जितना की हो ना, वो और एक्स्ट्रा एफर्ट दे देना एग्जाम, और उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर उसका भी शुरू कर दूंगा 16 तारीख से, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला है बच्चे छठवां। अच्छा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाइव क्लास लेंगे कि रिकॉर्डेड लेंगे, इस चीज़ को जरूर भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन है, 3, 8, 9 और एक्स का औसत मान कितना दिया है, 6। तो एक्स का मान बताना है, मतलब क्वेश्चन में बोला है 3 का 8 का 9 का और एक्स का, इनका एवरेज निकालेंगे। तो 1, 2, 3, 4 है, तो नंबर कितना लिखेंगे नीचे, 4, सभी संख्या को एक बटे जितनी संख्या है, इनका एवरेज कितना दे दिया है, 6, और आपको x निकालना है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 प्लस कितना हो गया, x, और ये 4 का गुणा 6 से हो जाएगा, 6 चौके 24। तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चे, 24 में से 20 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी क्लियर होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, तो सीधी व्यापम टेट में आया था, इससे आसान क्वेश्चन कोई मिलेगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन में से एक था। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आया था CSPSCL 2019 में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 7th है, ठीक है। क्वेश्चन कहा है यहाँ पे कि एक किराने की दुकान में लगातार 4 महीने में 4250 रुपये, 4270 रुपये, 4400 रुपये और 4420 रुपये की बिक्री होती है। 4450 रुपये की औसत बिक्री पाने के लिए 5वें महीने में कम से कम कितनी बिक्री होनी चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला उसी के अनुसार चलेंगे। तो कि एक किराने की दुकान में लगातार 4 महीने में इतना इतने इतने रुपए का बिक्री हुआ है, तो पहले महीने कितने का हुआ था, 4250। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है, पहले सुन लेना। एक तो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि मेरा मेथड क्या होगा, मैं खुद एग्जाम में बैठूंगा तो कैसे करूँगा, क्योंकि जब बेसिक से बताऊंगा तो आपको पूरा डिटेल जानना होगा, और फिर उसके बाद ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा कि डायरेक्ट एग्जाम में कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिक से करने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं करके बता दे रहा हूँ क्वेश्चन का बेसिक क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोला है कि 4 महीने का मतलब एक किराने की दुकान में लगातार 4 महीने इतने इतने रुपये खर्च होते हैं, तो 4250 पहले महीने का, दूसरे महीने का कितना है बच्चे, 4270 लिख देते हैं, तीसरे महीने का कितना है बच्चे यहाँ पे, 4400 ये भी लिख लेते हैं, चौथे महीने का कितना है बच्चे, 4420 रुपये, और आखिरी महीने का बच्चे यहाँ पे क्या बोला है कि एक किराने की दुकान में लगातार 4 महीने का इतना था, 4450 रुपये की औसत बिक्री पाने के लिए 5वें महीने में कम से कम कितनी बिक्री होगी। तो 5वें महीने में मान लो एक्स होगा, इन सब का एवरेज निकालेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, और इसका एवरेज कितना दिया है बच्चे यहाँ पे, कितना होना चाहिए, 4350, यहाँ पे 4350। अब इसको पूरा सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे बच्चे, एक्स और हमारे क्वेश्चन,
लेकिन ये करने में हमें क्या लग जाएगा समय, क्योंकि इन सबको जोड़ना है, फिर एक गुणा करना है, फिर घटाना है, इसमें पूरा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सीधी व्यापम के एग्जाम में टाइम काफ़ी रहता है तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में आता, या फिर सीधी व्यापम के उस एग्जाम में आता जैसे 2 घंटे का भी हॉस्टल वार्डन का पेपर है, तो इसमें अगर आ रहा है तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन जब आपको बनाने होते तब बच्चे थोड़ा सा स्पीड आपको ठीक ठाक चाहिए होता है। लेकिन 3-3 घंटे वाले पेपर में तो समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे व्यापम भी टाइमिंग को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो आपको दूसरा तरीका भी आना चाहिए। पहले मैं इस तरीके से करवा दे रहा हूँ, जोड़ जाड़ लो इसको और कुछ नहीं और सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। तो पहले जोड़ लेते हैं, देखिए 4000 4000 4000 4000, 4 चुके कितना होता है 16000, तो 16000 तो सीधा सीधा हो गया, ठीक है, प्लस 250 और 270, 250 250 500 520 हो गया, 520 और 400 520 और 400 कितना होता है 400 और 520, ठीक है, 400 और 520 तो कितना होता है बच्चे 520 और 400 920, और 920 और 940 हो गया, 940 में से 400 और जोड़ देंगे तो 900 400 1340, तो 1340 हो गया, तो 1340 अलग से हो गया, प्लस x है, और 5 का गुणा कर दीजिए 0 हो गया, 5 5 25 हो गया, 15 2 17 हो गया, 1 हासिल, 5 चौके 20 और 1 21, क्लियर है कि नहीं है। अब बस बच्चे इनको जोड़कर माइनस कर दीजिए, तो ये बताइए 16000 है और ये कितना है 1000, तो 16 1 17 40, 17340, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21750 में से 17340 को घटा दीजिए, बस आप इसको माइनस कर दीजिए, क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 21 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 4000, ठीक है। अब 750 में से 340 घटाना है तो 700 में से 300 घटाएंगे तो 400 आएगा, और 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो कितना आएगा बच्चे 410, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 4410 बच्चे, ये क्वेश्चन का जवाब होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो भी आप कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो आपको इस तरीके में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन ये सीखना जरूरी है, कैलकुलेशन फास्ट होना ही। अब हम बच्चे दूसरे तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन, ये तो बेसिक तरीके से मैंने बता दिया। अब एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले क्या था, 5 संख्याओं का एवरेज आपको क्वेश्चन में गिवन था, 5 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया था 4350, और आपको पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या आपसे पूछ लिया था, ठीक है। अब मैं एक बात सवाल पूछता हूँ, पहले मैं कुछ समझाना चाहूँगा फिर उसके बाद ये करवा, ठीक है। जैसे मान लो 3 दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम ए है, एक दोस्त का नाम बी है, एक दोस्त का नाम सी, और तीनों का एवरेज मार्क्स मान लो हमने एक एग्जाम लिया था उसमें एवरेज आया था बच्चे 500 नंबर, एवरेज मार्क्स कितना था 500, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 500 नहीं रख लेते हैं, एवरेज मार्क्स 100 नंबर का पेपर था तो एवरेज मार्क्स मान लो आया था कितना 80 नंबर एवरेज था, ठीक है। लेकिन ए बच्चा जो था उसके मार्क्स आए थे बच्चे कितने 70, और बी बच्चे के कितने मार्क्स आए थे 80, सॉरी ये मान लो कितने आए थे 60, तो ये बताओ सी के कितने आए होंगे, सी के कितने आए होंगे ताकि एवरेज तीनों का बन जाए 80। सवाल मेरा समझ में है, 3 बच्चे थे ए बी सी, तीनों का एवरेज स्कोर कितना था बच्चे 80, ए का स्कोर कितना है 70, बी का स्कोर कितना है 60, तो सी का स्कोर कितना होना चाहिए ताकि इसका एवरेज कितना बैठे 80, औसत हो 80, औसत मतलब सभी राशियों का मान 80, ठीक है। तो एक बात बताइए, एवरेज अगर हमने बोला है आपसे कि एवरेज कितना होना चाहिए 80, लेकिन यहाँ पे कितना है 70 है, मतलब कम आए हैं इसके, अगर किसी के कम आए हैं तो सारा भार कौन उठाएगा, सी उठाएगा, मतलब इन ये 60 था ये 70 था लेकिन फिर भी 80 क्यों आया है तीनों का एवरेज, इसलिए आया क्योंकि सी के नंबर काफ़ी ज़्यादा थे, सी के नंबर 80 से काफ़ी ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे ताकि इन दोनों के जो कम हुए थे उनको कंपनसेट कर दिया था, कंपनसेट मतलब समझ रहे हो, बराबर कर दिया था। जैसे ये तो मान लो बेचारा लाया था 70, एवरेज हमारा आया था 80, मतलब ये बेचारे के नंबर कितने रह गए थे कम, 10 नंबर कम हो गए थे, हाँ या ना, तो 10 नंबर अगर इसके कम हो गए हैं तो 10 नंबर किसको एक्स्ट्रा आने चाहिए, सी के आने चाहिए, तभी एवरेज बनेगा। अब बी के नंबर कितने कम हो गए हैं 20 नंबर, तो ये सारी भरपाई कौन करेगा अकेला, सी, मतलब सी का एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए, तो एवरेज स्कोर अगर हम बात करेंगे तो एवरेज कितना चल रहा था 80, लेकिन 80 तो सी का भी होना ही चाहिए, एवरेज अगर 80 लाना है तो सी का 80 तो होना ही चाहिए, लेकिन 80 से और ज़्यादा होना चाहिए, क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ए और बी ने कवाड़ा कर दिया है, कम नंबर लाए, तो गधे बच्चों की अगर पूरे हमारे क्लास में मान लो कि 100 बच्चे बैठते हैं उसमें से 80 बच्चे एकदम कमजोर हैं, पढ़ने उड़ने में एकदम होशियार नहीं, बहुत कम नंबर लाते हैं, तो जो 20 बच्चे बचते हैं उनकी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको इतने नंबर लाने कि हमारी क्लास का एवरेज बढ़ जाए, इन गधों बच्चों को भी कंपनसेट कर दे, मतलब समझ रहे हो ना, गधे मतलब मजाक कर रहा हूं मैं, उससे मत लेना, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो मुद्दे की बात यह है कि जो बचे बच्चे रहते हैं ना उनको यहाँ पे मैनेज करना रहता है, जो कम कर दिए हैं तो उनको बढ़ाना है, तो मुद्दे की बात यह है कि सी का 80 तो एवरेज, 80 एवरेज था तो सी का वैल्यू 80 तो रहेगा, लेकिन इसके कितने आए थे 70, तो कितने कम थे इसके 10, तो इसको 10 नंबर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, इसके जितने कम है उतना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, इसके कितने कम थे 20, तो इसको भी कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा 20, मतलब जितना कम है उतना एक्स्ट्रा लाना पड़ता है,
अगर ज्यादा होता तो कम भी लाता, क्लियर है कि नहीं? तो 80 10 90 और 90 और 20 कितना हो जाता बच्चे 110, कितना हो जाता 110, ठीक है? मतलब सी का स्कोर कितना होना चाहिए 110, सी अगर 110 नंबर लाएगा तभी इनका बच्चे एवरेज कितना बैठेगा 80। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर एवरेज हमको दे दिया है और किसी का पर्टिकुलर का डेटा दे दिया है, अगर वो डेटा एवरेज से कम है तो तीसरे वाले की भार बढ़ जाता है, तीसरे का ज्यादा होना चाहिए। यहां तक ओके, ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ये था बच्चे कि यहाँ पे चारों संख्याओं की वैल्यू दे दी थी, पांचवें के बारे में पूछा था, टोटल एवरेज दे दिया था 4350। टोटल एवरेज कितना दिया था 4350। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बताइए कि एवरेज अगर हमको 4350 दिया है तो ये जो एक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालना पड़े कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू 4350 तो होनी होगी ही होगी क्योंकि ये एवरेज है, लेकिन देखते हैं इससे ज़्यादा होगा कि इससे कम होगा। तो अब ये पूरा खेल समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। इसका कितना कम था बच्चे, 4250 आया था, कितना आया था 42, कम आया था। जब इसके कम आए थे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए, मतलब इसके इसके मतलब जो इसका जो खर्चा होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कम खर्चा किया तो इसके पास ज़्यादा होगा। कम कितना है बच्चे देखिए, फिर 4350 से 4250 से कितना कम है, 100 कम है, तो इसके पास ज़रूर 100 क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। पहले बताएं इतना क्लियर है, 100 इसके पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा, ठीक है? अगर हम देखते हैं बच्चे यहाँ पे, अगर देखते हैं यहाँ पे कितना कम था, यहाँ पे कितना कम है, ये 350 है, ये 270 है, तो इधर से 30 और उधर से 50 80 कम है बच्चे, तो 80 कम है, तो 80 अगर कम है तो इसके पास भी कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए, 80 ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए बच्चे यहाँ पे 4400 है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ कम करेंगे, क्लियर है? कितना ज़्यादा है बच्चे 350, तो 50 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है तो यहाँ पे 50 कम करेंगे, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसके पास ज़्यादा हो गया तो अब कम करेंगे, ठीक है? ज़्यादा है तो कम करेंगे, कम है तो ज़्यादा करेंगे, ठीक है? 4420 है, ये देखो यहाँ भी ज़्यादा है, 50 और 20 कितना ज़्यादा है बच्चे 70, तो यहाँ भी 70 इसके पास ज़्यादा है, तो 70 यहाँ भी क्या करेंगे, कम करेंगे। कुल मिला के सॉल्व करते हैं बच्चे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 होगा, और ये 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 होगा, और 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, 40 हो गया, और ये 4300 कितना है, 50, 4350 में 40 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4300, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी है मेरे भाई जोड़ने घटाने में, ठीक है? 4350 है, और ये देखिए कितना कितना है, 100 और 80, 180 हो गया, 70 और क्या कर रहे हैं, माइनस 120 है, 60 होगा ना, यहाँ 60 आएगा, कितना आएगा 60, कैसे 80 में से 70 घटा दिए 10 हो गया, प्लस में 10 है, 110 में से 50 घटाएंगे तो 60 होगा। अब बस बच्चे इसको जोड़ दो, तो ये जोड़ दिए तो 0 6 5 11 1 हासिल 4, तो 4410 बच्चे क्वेश्चन का क्या होगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई समस्या आपको नहीं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तरीका बच्चे फॉलो करना, इससे मत करना, इससे करोगे तो स्पीड में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और इसकी आदत बनाओ, ठीक है? जब आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बैठते हैं तो आपको स्किल सीखने हो तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन बच्चों से है, उन बच्चों से है जो एक बहुत बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा, आपका कंपटीशन आपकी केवल क्लासरूम से नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ना आपके केवल शहर से है, पूरे राज्य से है, पूरे देश से है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है? अब ये सी जी व्यापम सहायक शिक्षक 2023 में आया था, क्वेश्चन नंबर 8वां, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। क्वेश्चन बोला, अच्छा इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं, पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर। क्वेश्चन बोला है यदि x x+2 x+4 x+6 x+8 का एवरेज कितना दिया है, 11, और यहाँ पे देखेंगे हर संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का है। जैसे x और x प्लस टू में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। x प्लस टू और x प्लस फोर में भी डिफरेंस कितने का है, 2 का है। x प्लस फोर और x प्लस सिक्स में भी डिफरेंस 2 का है, और 6 और 8 में भी कितने का है, 2 का, मतलब 2-2 का डिफरेंस है। तो एक खास बात है, यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उन सभी नंबरों में डिफरेंस क्या है बच्चे, सेम, डिफरेंस क्या है बच्चे, सेम है, अंतर क्या है, सेम है, ठीक है? और इनका एवरेज दे दिया है, तो एवरेज कितना दे दिया है, 11। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज निकालने के दो रास्ते हैं, एक तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो कर दो, या फिर ये भी बोल सकते हो जो माध्य का मान होता है, जो बीच वाला वैल्यू होता है, मिड टर्म जो होता है, मध्य मान होता है, मध्य वाला जो मान होता है वही एवरेज कहलाता है। बात को याद रखिएगा, मध्य मतलब जैसे पहला पद x है, दूसरा पद x प्लस टू है, तीसरा पद x प्लस फोर है, चौथा प्लस सॉरी अगला पद x प्लस छः है, और अगला पद x प्लस आठ है। तो इनमें एवरेज की बात करूंगा, सब में डिफरेंस अगर सेम है तो एवरेज निकालने का पहला रास्ता कि सबको जोड़कर बटा जितनी संख्या डिवाइड कर दो, दूसरा रास्ता पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो कर दो, और तीसरा रास्ता बच्चे जब डिफरेंस सेम होता है तो जो बीच वाला पद होता है वही क्या कहलाता है, एवरेज। सब में 2-2 का डिफरेंस है और बीच वाला पद कौन है, x प्लस फोर, यही क्या कहलाएगा, एवरेज। और ये एवरेज आपके क्वेश्चन में दे दिया है बच्चे कितना, 11 कितना दे दिया है, ठीक है? अब आपसे पूछा है अंतिम तीन प्रेक्षणों का औसत क्या है, लास्ट के तीन जो होंगे उनका एवरेज क्या होगा, ये सवाल है।
आसानी से निकाल सकते हैं। ये अगर 11 है तो इससे 2 बढ़ा देंगे तो 11 और 2 क्या हो जाएगा 13, 13 में 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 15। इन तीनों का एवरेज निकालना है। इन तीनों का एवरेज निकालने के लिए फिर से वही तरीका, इन तीनों को जोड़कर बटा 3 कर दो, या फिर बच्चे देखो तीनों में डिफरेंस सेम सेम है, 11 13 में 2 का है, 13 15 में 2 का है, तो बीच वाला जो वैल्यू होगा वही एवरेज कहलाएगा। तो 11 13 15 में एवरेज क्या कहलाएगा बच्चे, 13, और यही क्वेश्चन का क्या होगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई समस्या आपको नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, 8वां। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और कोई समस्या। अब आते हैं 9वें में। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। चैनल को भी सपोर्ट करना है, चैनल भले पुराना है, काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें कभी एक्टिव नहीं थे इसलिए बच्चे इतना उसमें चीज़ों पर यहाँ पे अभी एक तरह से ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। अब हम पूरा व्यवस्थित तरीके से अच्छे से एक महीने से बढ़िया तरीके से आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं और ये रेगुलर लेके आएंगे बच्चे इस चैनल में, क्योंकि अब हमारा एक ही मकसद है कि इसको बेहतर से बेहतर चैनल बनाना और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करना, इतना कंटेंट प्रोवाइड करना कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और जैसे प्रीवियस ईयर की सीरीज कंप्लीट होगी तो फिर हम मैथ्स वगैरह की कंप्लीट बैच भी आपके यूट्यूब में लेके, ठीक है, लेकिन वो आपके रुझान के अकॉर्डिंग रहता है कि आप कितना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चे, क्योंकि देखो आजकल क्या ना, उल्टा सीधा वीडियो डालने वालों की बहुत व्यूज़ जाते हैं, फर्जी वाला जितना कर रहे हैं ना उतना ही वो हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रॉपर कंटेंट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना बच्चे थोड़ा सा वही है, पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, तो जो पढ़ने वाले जो यहाँ तक देखें तो बिल्कुल बच्चे इसको सपोर्ट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, CSPSCL 2019 में आया था ये क्वेश्चन, ये क्या है एक बार इसको भी बच्चे मेरे साथ पढ़ लो आप और फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है इसको भी हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। अब ये बोला है यदि 32, 47 और x तथा 41 का औसत दिया है 55, एवरेज दे दिया तो x का मान निकाल, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, बेसिक तरीके से कर लेते हैं। संख्या क्या क्या बोला है बच्चे, 32 है, फिर कौन सा है बच्चे, फिर कौन सा दिया है बच्चे, 32 के बाद 41 सॉरी 47 और फिर क्या दिया है x और फिर क्या दिया है 41, इन सब का एवरेज दे दिया है 55। एवरेज निकालने का तरीका सबको जोड़कर जितनी संख्या उनसे डिवाइड कर दीजिए, कितनी संख्या है 1, 2, 3 और तो 4 से डिवाइड करो, एवरेज कितना दिया है 55। बस बच्चे आपको x की वैल्यू निकालना है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर लो आप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो ऐड करिए। ये बताइए कितना आ जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 4 क्या हो गया 11, तो 110 हो गया, 117, 118 और 120, तो 120 आ गया, और ये प्लस में x है, और 55 का गुणा 4 से हो जाएगा 3 गुणा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 2 = 22 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है तो 220 में से आप 120 घटा दीजिए तो बच्चे सीधा सीधा क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा क्वेश्चन का जवाब आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है, ठीक है। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसे अब ध्यान से देखिए, टोटल 15 क्वेश्चन कराने हैं तो 10वें क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये AGDO 2018 में आया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्या एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है बच्चे क्या बोला है, तीन संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, तीन संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या क्या दी है 16, तीन संख्याएं हैं मान लो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कितना दे दी है, ठीक है, औसत 12 है, एवरेज 12 दे दिया है, इनका एवरेज भी दे दिया है, तीनों संख्याओं का एवरेज दे दिया है, औसत दे दिया है 12 ये क्वेश्चन में, ठीक है। यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो, लघुत्तम मतलब होता है छोटी, छोटी संख्या जो है वो जो सबसे बड़ी संख्या का आधा है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है 16, यही बोला था क्वेश्चन, इसका आधा कर देते हैं तो 16 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या सबसे छोटी संख्या थी और वही इसका आधा था, आधा करने का मतलब 16 का आधा कर दीजिए, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, मतलब मान लेते हैं हम पहली संख्या 8 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है 16, मतलब सबसे छोटी संख्या 8 और सबसे बड़ी संख्या 16 और तीनों का एवरेज कितना दिया है बच्चे 12। तो ये तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया यार कि अगर मान लो इन तीनों का एवरेज है 12, तो एवरेज 12 है तो मान लेता हूं मैं कि ये बीच वाली संख्या कितनी होगी 12, मान लेता हूं, तो ये बताओ इनका अंतर कितने का हो गया 4 का, इनका अंतर भी कितने का हो गया 4 का, तो डिफरेंस सेम हो गया, तो बीच वाली संख्या क्या होगा बच्चे एवरेज, और बीच वाला संख्या ही तो एवरेज दिख रहा है ना, मतलब मैच हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आपसे पूछा तो शेष संख्या क्या होगी, तो शेष संख्या पूछा तो शेष संख्या यही वाला बचा था, यही क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या आ जाएगा बच्चे 12, क्लियर है कि नहीं। तो जिसको डायरेक्ट कंसेप्ट के से समझ में आ गया तो कोई दिक्कत, लेकिन जिसको ना आया वो समझ में तो बेसिक से करेंगे, तो मान लेते हैं छोटी संख्या 8 थी और सबसे बड़ी संख्या कितनी थी 16, तीसरी संख्या निकालना था इसको x लिख लेते हैं और तीनों का एवरेज निकालेंगे तो बटा 3 कर देंगे और इनका एवरेज कितना दिया था बच्चे 12।
अब ये 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस एक्स, और 12 तिया कितना हो जाएगा बच्चे, 36। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 36 में से कितना घटा देंगे बच्चे, 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो एक तरीका ये है बच्चे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको बेहतर लगे उस तरीके से करिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 11वें में। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में बच्चे ये सवाल आया था। अब ये क्वेश्चन क्या है एक बार इसे भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है इसे भी एक बार रीड करिएगा। तो क्वेश्चन बोला है 10 से 190 दोनों शामिल हों, मतलब दोनों शामिल हो, मतलब 10 भी शामिल हो और 190 भी शामिल हो, के बीच 10 के सभी गुणन फलों का औसत कितना है। गुणन फल 10 का गुणन फल मतलब 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल पहला 10 है, दूसरा मल्टीपल 10 का होता है 20, तीसरा मल्टीपल 30 है, अगला मल्टीपल कौन है बच्चे, 40 है, ठीक है, और ये आखिरी जो है बच्चे 190 है ये क्वेश्चन। तो ये सब 10 के मल्टीपल हैं बच्चे, 10 के गुणन, ठीक है। अब आपसे पूछे इन्हीं का एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। अब 10 का मल्टीपल है तो आपको पता है कि हर नंबर में डिफरेंस कितने कितने का है, 10 10 का, तो डिफरेंस सेम होगा। तो जब डिफरेंस सेम होता है, याद रखना मैं लिख दे रहा हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब डिफरेंस सेम होता है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज निकालने के 3 मेथड है। पहला मेथड कि सभी राशियों की बटे जितनी राशि है, ये तो बेसिक है। दूसरा ये है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो, इससे भी एवरेज निकलेगा। और तीसरा बच्चे तरीका होता है कि मिड टर्म, जो मध्य मान होगा, मिड टर्म जो होगा मध्य में जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, एवरेज, ठीक है। अब इसमें करना है तो पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, तीसरी 30 है, ऐसे करके 190 तक इनका एवरेज निकालना है। तो आप करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़कर बटा दो कर दीजिए, पहली संख्या 10 है और आखिरी संख्या 190 है, इनको जोड़कर बटा दो कर दीजिए तो ऊपर में हो जाएगा 200, और 200 बटा दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो इनका एवरेज कितना कहलाएगा बच्चे, 100, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आया था बच्चे क्वेश्चन, मतलब ये 24 मतलब इसी साल जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना फेब में, वो उस एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12वें में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, इस क्वेश्चन को भी अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12वां बच्चे ये है कि 5 सतत विषम, सतत मतलब होता है बच्चे लगातार, कंसेक्यूटिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसेक्यूटिव, और हिंदी में बोलते हैं सतत। 5 सतत विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत दिया है 41, मतलब 4-5 संख्याएं हैं, और वो भी कौन सी हैं, विषम। विषम को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। पहला ऑड नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 2-2 का डिफरेंस होता है ऑड नंबर, ठीक है। और 5 सतत मतलब लगातार बोला है, ए बी सी डी ई है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, ये 5 सतत विषम संख्याएं हैं और जिनका एवरेज दे दिया है बच्चे 41। तो एवरेज का मतलब होता है मिड नंबर, तो पहला दो और आखिरी दो को छोड़कर मिड नंबर कौन है, सी, और ये दे दिया है बच्चे 41। और आपसे पूछा है बच्चे ए और ई के गुणनफल क्या होंगे, ए और ई के गुणनफल। तो सबसे पहली बात ये बताओ, ए आपको निकालना पड़ेगा और ई निकालना पड़ेगा, ये बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इन सबका एवरेज 41 दिया है, और आपको पता है कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ये बताइए 41 के पहले कौन सा होगा, ऑड नंबर, ठीक है, लगातार है तो ऑड नंबर, 41 के पहले 40 तो होगा नहीं, 40 के पहले क्या होता है 39, और 39 के पहले क्या होता है 37, 41 के बाद होता है 43, और 43 के बाद होता है 45। तो ये बताइए ए क्या हो गया, 37, और ये हो गया 45, और ये सब सतत कहलाएंगे, लगातार कहलाएंगे, ऑड नंबर, 2-2 का डिफरेंस होगा। इन दोनों का आपसे क्या पूछा था, प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं पहला नंबर कौन सा है 37, और आखिरी नंबर कौन सा 45, इनका गुणा करेंगे तो 7-5 कितना हो जाएगा 35। तो जो भी आंसर होगा इकाई में क्या आना चाहिए, 5, इकाई में 5 बच्चे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो कौन सा है, सी। इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को यहां तक क्लियर होगा, और इस तरीके से क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो बोलिएगा, फिर हम उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा बच्चे कितना 1665, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना होता है, उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर होगा। अब आते हैं बच्चे, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा हटो, ठीक है ना, आप बेहतर के चीज़ों को परफॉर्म करिए, कि एग्जाम में आप एग्जाम देना तो आपको मजा आ जाना चाहिए। हाँ यार, हम थोड़ा डिफरेंट किए हैं पेपर को, और शानदार तरीके से एग्जाम में हमें दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। फील्ड मैन फॉरेस्ट गार्ड 2021 में आया था ये, और ये क्या है, उन्हीं दो क्वेश्चन नंबर 13वां है, ठीक है। क्या बोला है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है 14, 5 लगातार हैं, कंसेक्यूटिव हैं,
और क्या है सम संख्या, इवन नंबर जिसको हम बोलते हैं। इवन नंबर वो संख्या होती है जो दो से डिवाइड हो जाता है, तो जो दो से डिवाइड हो जाए जैसे इवन नंबर दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, ये सब इवन नंबर है, सम संख्या। और पांच लगातार हैं सी इवन नंबर जिनका एवरेज दे दिया है बच्चे 14। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर पूछा है, सबसे बड़ी। तो पांच संख्याएं हैं तो हमने लिख लिया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। समझाते हुए चल रहे हैं, लगातार पांच सम संख्याएं, इनका एवरेज दे दिया 14। और अगर लगातार पांच सम संख्याएं हैं तो सबके बीच का डिफरेंस दो दो होगा, तो डिफरेंस सेम होता है, तो मिड नंबर ही क्या कहलाता है, एवरेज। तो इनमें से मिड वाला कौन सा है, तीसरा पद कौन सा होगा, यही होगा एवरेज। और ये एवरेज कितना दे दिया है बच्चे 14, कितना दे दिया है। मैं डायरेक्ट क्यों लिख सकता हूँ इसको तीसरा, कि लगातार सम संख्या बोला था, तो पहली संख्या जो भी होगा उसके अगली जो सम संख्या होगी उसमें दो का डिफरेंस होगा, फिर अगली दो का, मतलब डिफरेंस सेम है। और डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज निकालने के तीन तरीके होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि मिड टर्म भी होता है, मध्य पद जो होता है, तो मध्य पद कौन सा होगा, तीसरा वाला, यही क्या होगा बच्चे इसका एवरेज। और ये कितना दे दिया 14। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर आपसे पूछा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या मैं बोलूंगा, तो 14 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा बच्चे, 16 होगा। और 16 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा बच्चे, 18 होगा। और इससे पहले कौन सा नंबर होगा बच्चे, 12। और उससे भी पहले कौन सा होगा, 10। अब पहली और आखिरी संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो 18 और 10 का अंतर अगर आप निकालेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 8। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ये बच्चे जो मैंने बताया ना, ये बेसिक तरीके से एकदम बेसिक से सॉल्व करवाया, बट एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो इस बेसिक तरीके से तो कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, टाइम आपका बचेगा। यहाँ पे क्यों आसान था, क्योंकि पांच संख्याएं थी तो आपने आसानी से ऐसे लिख लिया, लेकिन यहीं पे बोल देता 100 संख्याओं का एवरेज दिया होता, 500 संख्याओं का एवरेज दिया, क्या आप ऐसे लिखते और ऐसे लिखोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, टाइम लग जाएगा और दिक्कत आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट ये हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, ये सब मैं क्लास में पढ़ाता हूं लेकिन थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला कि पांच क्रमागत हैं, पांच क्रमागत कंसेक्यूटिव, फाइव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मैंने लिखा है, पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्या, समझना ध्यान से ना, प्राकृतिक संख्या ये होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, और पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, तो कोई भी पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर मैं लिखता हूँ सपोज कर, ठीक है, तो एक बात बताइए, पांच क्रमागत जैसे मान लो ए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, ये बताओ पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्या में गैप कितने का होता है, गैप मतलब जानते हो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, तो ये बताओ यहाँ पे कितने का गैप है, एक गैप है, यहाँ पे दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, ये तो नंबर कितने हैं, पांच, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल संख्याएं कितनी हैं, पांच, ये बताओ गैप कितने का होता है, चार, गैप कितने का है। उसी प्रकार से मान लो तीन संख्या होता, कितनी संख्याएं होती, तीन, तो उसमें गैप कितने का होता, तीन संख्या अगर मैं लिखता हूं तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीन संख्या लिखूंगा, एक बात बताइए बच्चे इसमें गैप कितने का होगा, तो गैप के बारे में बात करूं तो ये पहला गैप और ये दूसरा गैप। अगर मान लो मैं सात संख्या लिखूं, कितनी संख्या लिखूं, सात, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या और सातवीं संख्या, सात संख्या लिखा होता। अब बताइए सात संख्याओं में गैप कितने का होता है, तो ये एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, चार का, पांच का, छः का। तो याद रखना जितनी संख्याएं होती हैं, अगर संख्याएं यहाँ पे n है, ठीक है, तो यहाँ पे गैप कितना होगा n-1, इस बात को याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी से ना ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो ये वाले होंगे बेसिक वाले, ये मैं चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा, पेन नहीं चलाना, तो बस मेरी बात सुनते रहे। तो अगर संख्या n है तो गैप कितना होगा n-1, जैसे टोटल 100 संख्या है तो गैप कितना होगा 99, अगर 200 संख्या है तो गैप कितने का होगा 199, ये बात याद रखना। अब गैप क्या चीज़ है, देखो अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, नेचुरल नंबर, तो एक गैप जो होता है उसकी वैल्यू एक होती है, कितनी होती है, एक। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे पाँच लिखा, यहाँ छः लिखा, यहाँ सात लिखा, यहाँ आठ लिखा, ये प्राकृतिक संख्या है लगातार है। अब लगातार प्राकृतिक, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ना पूरा कंसेप्ट कब लगेगा, जब डिफरेंस क्या होगा, जब डिफरेंस क्या होगा, और कहानी कौन कौन सी होगी, या तो प्राकृतिक संख्या, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब डिफरेंस क्या होगा सेम, तभी पूरा कंसेप्ट लगेगा। तो मैंने बोला पाँच छः सात आठ, तो ये बताइए यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक का गैप है, यहाँ दो का गैप है, यहाँ तीन का गैप है, यहाँ पे चार का गैप है, ठीक है। तो संख्याएं कितनी थी, पाँच, लेकिन गैप कितने का था, चार का। तो टोटल नंबर कितने थे, टोटल संख्याएं कितनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे बच्चे, पाँच। तो गैप्स कितने होंगे, गैप कितने होंगे, अब ये बताओ एक गैप की वैल्यू कितनी है, तो पाँच और छः का जो अंतर है बच्चे एक का है, यहाँ भी अंतर एक का, यहाँ भी अंतर एक का, यहाँ भी अंतर, तो यहाँ पे एक गैप की वैल्यू कितनी है बच्चे, एक है। तो
तो चार गैप की वैल्यू कितनी होगी, चार कितनी होगी, ये बात याद रखें, पॉइंट है जितने गैप उतना नंबर। यहां तक क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो मैंने आपको इसके बारे में बताया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में एक गैप की वैल्यू एक होती है, डिफरेंस मतलब, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे इवन नंबर होता, कौन सा नंबर होता, इवन, इवन का मतलब होता है सम संख्या। अगर इवन नंबर में बात करता हूँ जिसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या मतलब जो दो से विभाजित हो जाता है, तो सम संख्या की मैं बात करूँगा, तो सम संख्या में होता क्या है बच्चे, तो एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, दो, एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, तो सम संख्या में बच्चे एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, दो, ठीक है। जैसे सपोज करिएगा मैंने बोल दिया चार छः आठ दस, तो ये बताओ कितने पद हैं, चार हैं, तो गैप कितने का होगा, एक दो और तीन, तो चार पद हैं तो गैप कितना होगा, तीन, लेकिन एक गैप की वैल्यू कितनी है, छः और चार में डिफरेंस कितने का है, दो, तो एक गैप की वैल्यू कितनी। तो मुद्दे की बात यह है जो मैं आपको फाइनल बात बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स अगर एन है तो गैप कितना होगा, याद रखिएगा एन माइनस वन, ठीक है बच्चे। और अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो एक गैप की वैल्यू कितनी की होती है बच्चे, एक की होती है, याद रखिए, ठीक है। लेकिन अगर सम संख्या है या विषम संख्या है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इवन और ऑड, सम या विषम हो, तो बच्चे उसमें एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिएगा एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, बात को याद रखिए, सम या विषम होगा तो एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, दो, इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब ये सब मैं क्यों बताया, इतना तामझाम बताने की सर जरूरत क्या थी, आपने क्यों बताया, ये इसलिए बताया बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप पेपर में ना पेन भी ना उठाएं, बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन, तो इसमें तो हमने पेन उठाया और बकायदा बहुत अच्छे से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। बड़े क्वेश्चन होते तो हो सकता था कि आपको तकलीफ हो जाता, जैसे 100 संख्याओं के बारे में बोल दिया होता तो 100 संख्या थोड़ी लिखते, तो उस वक्त आपको दिक्कत होता, तब आपको यही गैप वाला कंसेप्ट। तो मैं क्या करता, ध्यान से देखिएगा, पांच लगातार फिर से कर रहा हूँ उसी मेथड से बताऊंगा, ठीक है, पांच लगातार सम संख्याओं का औसत, तो टोटल नंबर कितने हैं, कितनी संख्याओं के बारे में बात हो रहा है, पांच, पांच संख्या हो तो गैप कितने का होगा बच्चे, चार का, कितने का गैप होगा, चार का। अब आपसे पूछा उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में कितने अंतर का मतलब होता है गैप, कि कितने का गैप है, तो ये बताइए कि गैप कितने का है, चार का, लेकिन एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कौन सी संख्या थी, सम, और सम संख्या में एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, दो, तो एक गैप की वैल्यू दो होती है, तो यहाँ पे बताइए चार गैप है तो एक गैप की वैल्यू दो है, तो चार दोनों कितना हो जाएगा, आठ, मतलब गैप कितना हो जाएगा, आठ का, मतलब डिफरेंस कितने का हो जाएगा, आठ का। इस तरीके से इतने आसान वे में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तामझाम करने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो बच्चे प्लीज़ थम अप का साइन दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक, ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक ओके हो। अब हम चलते हैं बच्चे अगले में, तो यहाँ पे करना क्या था, पहले और आखिरी का डिफरेंस निकालना था, वही तो गैप होगा ना, डिफरेंस मतलब गैप है बच्चे, याद रखना, ठीक है। अब ये बहुत काम आएगा जो मैंने बताया, अब देखो एक एक लाइन उड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये CSPSCL 2022 में आया था, क्वेश्चन नंबर 40, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बोला है 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 दिया है, 11 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है 53, ठीक है, 11 क्रमागत संख्याओं का एवरेज दिया है 53। उसके बाद बोला अगली तीन क्रमागत संख्याओं शामिल कर ली जाएं तो एवरेज क्या होगा, तो 11 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया है बच्चे, अगर इसको मैं डिटेल से करूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब लगातार, और कोई संख्या स्पेसिफिक लिखा नहीं है, सम या विषम, तो सम या विषम नहीं लिखा रहता तो हम प्राकृत संख्या अपने से मान के चलते, मान लेते हैं कि अपने से प्राकृत संख्या एक का डिफरेंस होगा, ठीक है, और 11 क्रमागत संख्याएं हैं, तो जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसी कितनी संख्याओं का दिया है, 11, ये 11 संख्याओं का एवरेज दिया है। 11 संख्याओं में अगर मान लो यहाँ पे क्रमागत है तो सबके बीच में डिफरेंस एक एक होगा, तो डिफरेंस क्या है, सेम है, और डिफरेंस सेम होता है तो जो मध्य पद होता है वही क्या होता है, एवरेज होता है। तो 11 पदों में से मध्य पद कौन होगा, तो मध्य पद अगर निकालना होगा कि मध्य पद कौन होगा, तो मध्य पद निकालने के लिए हम करते क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मत करो, एक काम करो जितने भी टर्म है प्लस 1/2, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 11 और प्लस 1/2, तो याद रखना मिड टर्म निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म प्लस 1/2, तो नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या कितनी, 11 प्लस 1 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 12/2, मतलब 6 तक, तो छठवां पद होगा बच्चे इसका एवरेज। अब छठवां पद कौन सा होगा, सवाल ही उठता है, तो छठवां पद जो है ना बच्चे, मतलब यहाँ पे जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कौन सा पद होगा, छठवां, और छठवां पद बच्चे यहाँ पे दे दिया है,
क्लियर है कि नहीं, कौन सा दे दिया है त्रिक, देखना बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। और कितने पद हैं यहाँ पे टोटल 11, ठीक है 11th। अब बोला है कि यदि तीन पद और शामिल कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, तीन और कर दें तो कौन कौन सा पद शामिल कर दिए बताइएगा, तीन और कौन कौन से होंगे, 12वां, 13वां और 14, ठीक है तीन पद और शामिल कर दिए तो एवरेज। तो अब ये बताइए नंबर ऑफ पद कितने हो गए हैं टोटल 14, तो अब मिड टर्म कौन सा होगा, 14 पद अगर हो गए, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए हैं 14, एक से लेकर 14, तो इसका मिड टर्म कौन सा होगा, मध्य पद, जो मध्य पद होगा उसी की वैल्यू क्या होगी, एवरेज होगी, यहाँ पे मिड टर्म कौन सा वाली होगा, ठीक है तो मिड टर्म कौन सा होगा, तो मिड टर्म निकालने के लिए टोटल पदों की संख्या कितनी है 14 और प्लस 1 अपॉन क्या कर देंगे 2, तो 15/2 हो जाएगा, और 15/2 का मतलब होता है 7.5, और 7.5 का मतलब होता है सातवां पद और आठवें पद के बीच की वैल्यू, सातवें पद और आठवें पद की बीच की वैल्यू, ठीक है बीच की वैल्यू मतलब इन दोनों का एवरेज, तो सातवां पद और आठवां पद, सिक्स के बाद कौन सा होगा 7th और 7th के बाद कौन सा होगा 8th, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू मतलब इन दोनों का एवरेज निकालना होगा, तो आपको पहले सातवां पद फाइंड करना होगा, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे सम विषम नहीं बोला है तो सबके बीच में एक एक का अंतर होगा, तो 53 के बाद अगला पद कौन सा होता है बच्चे 54 नंबर, 54 के बाद अगला कौन सा होगा 55, तो सातवां पद क्या कहलाएगा 54 और आठवां क्या कहलाएगा 55, क्यों ऐसा है, क्योंकि लगातार संख्याएं हैं क्रमागत है, ठीक है। अब ये 54 और 55 का एवरेज निकालोगे तो 54 और 55 के बीच में कौन होता है 54.5, 54 और 55 के बीच में होता है 54.5, और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा एवरेज, ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन, इतने आसान वे में आप क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 53वां पद, छठवां पद निकाल लिया था 53, तो 54वां क्या सॉरी छठवां पद निकाल लिया था 53, सातवां हो जाएगा 54 और आठवां हो जाएगा 55, ये दोनों का एवरेज जो निकालेंगे यही पूरे एक से लेकर 14 संख्याओं का औसत कहलाएगा, ये बात क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ होगा, अगर आप हमारा फाउंडेशन बैच करेंगे तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से बेसिक हम कवर करते हैं, बट अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूं बच्चे, इसलिए मैं आपको जितना हो सकता है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें बता तो दे रहा हूं, लेकिन आप लोग एक व्यवस्थित तरीके से जरूर पढ़िएगा, अगर आप पहले से फाउंडेशन है पहले से पढ़े हुए हैं तब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये आपको एक एक पॉइंट, ठीक है यहाँ तक क्लियर है बच्चे। चलिए तो 14 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, अभी 15वां क्वेश्चन दो बार आया है, रिपीट किया है दो बार, एक महिला पर्यवेक्षक 2023 में और एक आया था कृषि विपणन मंडी में आया था बोर्ड 2023 में, तो 2023 में ही आया है ये दो बार क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के तीन तिहाई का से 12 अधिक है, यहाँ पे समझिएगा तीन कौन सी क्रमागत विषम बोला है, विषम मतलब ऑड नंबर है, तो तीन क्रमागत है मान लो पहली दूसरी और तीसरी, और ये विषम संख्या मतलब पहली संख्या x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, क्योंकि विषम संख्याओं में भी डिफरेंस कितने कितने का होता है 2-2 का, वैसे ही सम संख्या में भी 2-2 का होता है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है तो ये हमने ऑड नंबर लिख लिया, और इनका का औसत प्रथम संख्या के एक तिहाई से 12 अधिक है, ठीक है इनका जो एवरेज होगा, जो एवरेज होगा बच्चे वो एक तिहाई किसके बच्चे, प्रथम संख्या के एक तिहाई से, प्रथम संख्या का एक तिहाई, प्रथम संख्या कौन है x, और x का एक तिहाई जो है इससे 12 अधिक है, प्रथम संख्या के एक तिहाई से 12 अधिक है, 12 अधिक कौन है बच्चे इसका, ठीक है प्रथम संख्या के एक तिहाई से 12 अधिक है क्या बच्चे इसका औसत, तो औसत क्या कहलाएगा इन दोनों में एवरेज, तो बीच वाला नंबर होगा x प्लस 2, मैं बताया था डिफरेंस सेम होता है तो बीच वाला एवरेज होता है, मतलब ये कहना चाहता है कि x प्लस 2 जो है बच्चे वो प्रथम संख्या x है उसका एक तिहाई से, एक तिहाई निकालेंगे तो उससे 12 अधिक है, ये वाला इसमें 12 जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है मतलब ये संख्या इससे 12 अधिक है, कब एक तिहाई करने के बाद, एक तिहाई करिए और इसमें 12 जोड़ दीजिए तो इसके बराबर आ जाएगा, ये कहने का, ठीक है ये तो कहानी बोल दिया। अब आइए देखते हैं यहाँ से एक्स निकल जाएगा, तो तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या मतलब आपको एक्स प्लस 4 निकालना, ठीक है अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, पहले हम एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिएगा एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये एक्स है और यहाँ पे एक्स बाई 3 है, ये 12 में से 2 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, 3x में से x घटा देंगे तो 2x बाई 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2×5 10 हो जाएगा, 5×3 कितना हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 15, और आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है x प्लस 4, तो ये 15 प्लस क्या हो जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा बच्चे 19, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब, इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी, बाकी ऑप्शन से भी कर सकते थे बट ऑप्शन से करने से बेटर है आप सॉल्व कर लीजिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज मैंने बच्चे 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, आज संडे का दिन था तो मैंने आपके लिए एक क्लास आज ले लिया है, अब डेली का डेली होगा, मतलब ये मैं आपको पूरा पहले व्यापम के ये एवरेज वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैं वापस भिड़ूंगा इसको, व्यापम का भी सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर साथ साथ हमें दो क्लासेस और बढ़ानी है यूट्यूब पे, एक SSC GD का और एक NTPC का, NTPC और SSC GD की 16 तारीख से हम शुरू करेंगे,
तो बच्चे इसके लिए आप तैयार रहिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। डेली आएगा ये वीडियो, तो डेली के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।